ये खबर आ रही है दिल्ली के रोहिणी जिला से। दिल्ली के रोहिणी जिला में i10 कार में सवार एक युवक पर फायरिंग की गई है, साथ में उसके साथ मारपीट भी की गई है। इस फायरिंग में सड़क किनारे ठेले पर पानी बेच रहे शख्स को गोली लगी है। पानी बेचने वाले इस शख्स को सड़क किनारे पानी बेच रहा था, उस दौरान अचानक बदमाशों की फायरिंग से गोली लगी है पांव में और नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना है आज रक्षाबंधन के दिन की, राखी के त्योहार पर दिल्ली के अलीपुर के पास गांव मुखमेलपुर का रहने वाला धीरज टोकस अपनी पत्नी और बच्चों को लेने के लिए दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर गया। धीरज खुद एक टैक्सी चलाता है। इसके बच्चे सोनीपत से राखी का त्योहार मनाकर, ये खबर आ रही है दिल्ली के रोहिणी जिला से। दिल्ली के रोहिणी जिला में जीटी के रोड पर एक शख्स पर फायरिंग की गई है। इस फायरिंग में ये शख्स तो बच गया, लेकिन सड़क किनारे ठेले पर पानी बेचने वाले एक शख्स को गोली लगी है। गोली उस शख्स के पांव में लगी है। पानी बेचने वाले शख्स को गोली लगने के बाद नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में ले जाया गया है, वहां उसका इलाज जारी है। दरअसल अलीपुर के पास मुखमेलपुर गांव का रहने वाला धीरज टोकस रक्षाबंधन पर अपने बच्चों को लेने गया था सिंघू बॉर्डर पर। धीरज टोकस की पत्नी और बच्चे रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी बांधने अपने मायके धीरज टोकस की पत्नी गई थी, जो आते हुए नरेला के सिंघू बॉर्डर पर उतरी। सिंघू बॉर्डर पर धीरज टोकस अपनी पत्नी को लेने के लिए गया। धीरज टोकस खुद एक टैक्सी चलाता है। धीरज टोकस जब अपनी i10 कार से वहां पर पहुंचा तो वहां पर पहले से मौजूद अवैध रूप से बिना परमिट की सैकड़ों गाड़ियां, जो सिंघू बॉर्डर से मुकरबा चौक तक दिल्ली में पुलिस की नाक के नीचे चलती रहती है, ये गाड़ियां चलाने वाले गिरोह ने समझा कि धीरज टोकस यहां से सवारियां ले जा रहा है। उन्होंने धीरज टोकस के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब धीरज टोकस ने बताया कि ये उनकी पत्नी है, इसके बाद भी उन लोगों ने विश्वास नहीं हुआ और धीरज टोकस के साथ मारपीट करते रहे। धीरज टोकस ने तुरंत 100 नंबर कॉल की और वहां से इन बदमाशों के बीच से बचकर भागे, तो बदमाशों ने 3 अपनी टैक्सियां इसके पीछे दौड़ा दी। जब 3 गाड़ियां पीछे बदमाशों की दौड़ रही थी, तो कुछ किलोमीटर दूर बाद अलीपुर शनि मंदिर के पास धीरज टोकस को वो PCR मिली जो उसकी कॉल पर आने वाली थी। पुलिस की PCR के पास सहायता लेने के लिए धीरज टोकस तुरंत रुका। बदमाश में पुलिस का भी खौफ नहीं था, क्योंकि जब पुलिस के नीचे पूरे दिन ये लोग अपनी अवैध रूप से गाड़ियां चलाते हैं, वो पुलिस ने रोकती नहीं, तो उस पुलिस से भला ये बदमाश कैसे डरते। इन बदमाशों ने पुलिस के सामने ही धीरज पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग में कई गोलियां एक ही को कार पर भी लगी, जो बताया जा रहा है कि ये बदमाश ही खुद मौके से छोड़कर फरार हुए हैं। ये एक कार भी और एक गोली सड़क किनारे पानी बेच रहे शख्स को लगी, जिसका इस झगड़े से कोई मतलब नहीं था। ये घटना हुई है अलीपुर शनि मंदिर पर सप्लैश वाटर पार्क के ठीक सामने ये शख्स पानी बेच रहा था, पानी का ठेला लगा रहा था। उस शख्स को गोली लगी है। उस शख्स को घायल अवस्था में नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन यहाँ दिल्ली पुलिस पर जरूर कई सवाल खड़े होते हैं। सैकड़ों गाड़ियां दिल्ली के मुकरबा चौक से सिंघू बॉर्डर तक अवैध रूप से बिना परमिट के सवारियां ढोने का काम करती है। इससे सरकार को तो बड़ा रेवेन्यू नुकसान होता ही है, साथ ही इन गाड़ियों से कई बार हादसे भी होते हैं, क्योंकि अनट्रेंड ड्राइवर और बिना परमिट की गाड़ियां जो नियमों का पालन नहीं करती और चलाते वक्त भी किसी भी तरह का नियम का पालन ये लोग नहीं करते, रफ ड्राइविंग हम जिसको कह सकते हैं चलती रहती है, उसी दौरान आज ये हादसा हुआ है। पीड़ित ने क्या बताया वो सब आप खुद पीड़ित से सुनिए, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आपने यदि इस चैनल को AA News का यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह की छोटी छोटी खबरों के लिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। क्या कहना है पीड़ित का आप सुनिए। मेरा नाम धीरज कुमार है सर। धीरज जी क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। सर मैं बॉर्डर से बच्चे को लेने गया हुआ था, राखी भी मेरे बच्चे अपने घर गए हुए थे,
वहां से मैं उनको लेके आने लग रहा था, ठीक है, वहां इको वाले खड़े थे, सवारी जो चलती है बॉर्डर से यहाँ जहांगीरपुरी, उन्होंने मेरे को वहां पे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद मैं उनको बोला भाई मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को लेकर घर पे जा रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने वहां से मेरे पीछे लग लिए, पीछे लगने के बाद यहाँ शनि मंदिर पे आके उन्होंने मेरे को फायरिंग कर दी। वहीं से मैंने 100 नंबर पे कॉल कर दी थी, जो कि PCR मेरे को शनि मंदिर पे मिली। मिलने के बाद मैं उनके साथ में खड़ा हो गया, आते ही उन्होंने पीछे पीछे आ रहे थे, 10 मिनट के बाद गया, आते ही उन्होंने फायरिंग चालू कर दी। PCR मेरे साथ में खड़ी थी, जो कि पुलिस वाले PCR लेके पीछे भागे थे उनके। फिर मैंने दोबारा कॉल की 100 नंबर पे कि मेरे को फायरिंग भी चालू होगी यहाँ पे। कितने लोग थे और कितने? 6 बंदे थे सर। कितने? 4 हजार। 6 बंदे थे, 4 बंदे फायरिंग कर रहे थे। किसी को गोली लगी है? गोली उसको पानी वाला यहाँ था, पानी की रेडी लगा रहा था, उसके पैर में लगी, हम तो बच गए। आप लोगों के साथ मारपीट भी की उन्होंने यहाँ पर आने के बाद? यहाँ पे आके पहले थप्पड़ मारा उसने, उतरते ही थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारते ही फिर मेरे को उन्होंने वो किया फायरिंग की। थप्पड़ मारा था, पुलिसकर्मी साथ थे? हाँ साथ में थे। फिलहाल अभी क्या है, उनकी गाड़ी कुछ उन्होंने बरामद किया है, उनको पकड़ा? अभी कुछ नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही अब तक।